गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट टॉपिक इज फाइट फिफ्थ चैप्टर। इसमें कुछ पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कल हम देखे कि इसमें जो राइटर है दैट इज केथ वाटरहाउस, और उनके साथ जो कॉम्पिटिटर है दैट इज रेमंड गैरनन, इन दोनों के बीच में स्कूल में कुछ लड़ाई चल रहा है, मतलब कुछ कंपटीशन से जैसा चल रहा है। तो जिसमें रेमंड गैरनन का जो बहुत सारे सपोर्टर है, तो राइटर जब प्लेग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक रिंग ऑफ स्टूडेंट्स, क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स पूरा भरा हुआ है, जिनमें मैक्सिमम जो सपोर्टर है वो आपका रेमंड गैरनन के सपोर्टर है। ठीक है, तो कुछ तो उनको घबराहट था है ही, कि रीज़न ये है कि लाइफ में उन्होंने पहले ऐसा कभी भी कंडीशंस फेस नहीं किए थे। उसके साथ ये भी एक पॉजिटिवनेस है, क्योंकि उनको ये पता था ये जो पूरा रिंग था, ये जो पूरा क्राउड था, वो किसी के लिए नहीं था एक्सेप्ट द पोइट द राइटर एंड रेमंड गैरनन। इन दोनों के अलावा और जो भी रिंग में जितने भी स्टूडेंट्स थे या जब क्राउड में जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनका सारा इंटेंशन जो था इन दोनों कॉम्पिटिटर के ऊपर ही था और किसी के ऊपर नहीं था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट के ऊपर। इसके बाद क्या होता है, लड़ाई वड़ाई शुरू हो चुका है। जब राइटर जाके नोटिस करते हैं जो रेमंड गैरनन है, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, उनका उनका हाइट राइटर्स के हाइट की हाइट से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा जैसे डरावना जैसे सिचुएशन से फॉर राइटर। इसके बाद क्या हो रहा देखता है, आई डोंट नो हाउ टू गेट टाइम टू लुक एट द पीपल्स एट द रिंग अराउंड अस। राइटर ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे चारों ओर जो भीड़ है उसको देखने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा जो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स फाइटिंग ज़्यादा बढ़ गया था, तो मेरे चारों ओर मेरे सराउंडिंग्स में जो जो भी हो रहा है उसकी तरफ देखने के लिए राइटर के पास टाइम नहीं है। ठीक है, बट आई डिड एंड आई नोटिस्ड दैट, लेकिन मैंने फिर भी समय निकाल के मैंने अपने सराउंडिंग्स को देखा, मैंने अपने जो चारों ओर जो भीड़ था उसको नोटिस किया। आई नोटिस दैट आई डिडेंट इवन नो मोस्ट ऑफ देम, और मैंने ये भी देखा कि जितने भी क्राउड है स्टूडेंट्स का, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको मैंने कभी नहीं देखा है। लिटिल रेनर वाज एट द फ्रंट, और लिटिल रेनर जो था वो मेरे सामने में ही खड़ा था, और फ्रंट साउंड चिल्लाते हुए बोला था गो इट गार्नो, गार्नो मीन्स मैं पे रेमंड गैरनन की बातें हो रही है। तो ये जो लिटिल रनर है ये सपोर्ट कर रहे थे रेमंड गैरनन को, और बोल रहे थे गो इट गो ऑन एंड हट, जाओ और उनको मारो। ठीक है, तो सब राइडर के हिसाब से द नंबर ऑफ क्राउड्स जितने भी थे उसमें मैक्सिमम सपोर्टर रेमंड गैरनन का थे। ठीक है, एंड दिस हर्ट मी, और ये जो उसका साउंडिंग था, ये जो उसका जो इंस्पायर करना रेमंड गैरनन को, ये कहीं ना कहीं राइटर को बहुत हर्ट कर रहा था, बहुत दुखी कर रहा था। टेड वॉज एट द बैक जंपिंग अप एंड डाउन टू गेट ए गुड लुक, और टेड मेरे पीछे खड़ा था जो कि कूद रहा था ऊपर नीचे, और अलग अलग कभी कभार अलग अलग ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करता था जो कि राइटर को बहुत ज़्यादा हर्ट पहुँचाता था, दुखी पहुँचाता था या दुख पहुँचाता था। आई स्टार्टेड ट्राइंग टू रिमेंबर वाट पीपल हैड टोल्ड मी अबाउट फाइटिंग, आई स्टार्टेड ट्राइंग टू रिमेंबर, और मैं ये सब मतलब सोच रहा था या कोशिश कर रहा था जो अभी भी मेरे सराउंडिंग्स में जितने भी स्टूडेंट्स का जो क्राउडिंग है वो जो भी मेरे बारे में सब बात कर रहे हैं रिलेटेड टू फाइटिंग, ये मुझे याद रहेगा, या ये जो भी रेमंड गैरनन के सपोर्टर है जो भी कह रहे हैं वो सारे याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये हार जाएगा, ये हारने वाला है, तो सब कुछ बातें वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, उसको याद करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि शायद उसकी वजह से कुछ हो जाए। ठीक है, आई न्यू यू हैड टू हिट ए मैन ऑन हिज शोल्डर सो एज टू वीकन हिज आर्म्स, एंड अनदर ट्रिक वॉज टू प्रिटेंड टू हिम इन द बेली एंड देन व्हेन हिज आर्म्स वेंट डाउन विल यू गेट हिम इन द फेस इंस्टेंट। ये जो राइटर है इनको ट्रिक्स पता था फाइटिंग्स रिलेटेड, उनके हिसाब से कि मुझे पता है अगर किसी इंसान को कमज़ोर करना है तो उसको पहले सबसे पहला पार्ट जो होता है उसका जो शोल्डर पार्ट को या कंधे वाला पार्ट को हिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसको जो आर्म्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और अनदर ट्रिक जो था, दूसरा जो तरीका था, टू प्रिटेंड टू हिट हिम ए बेली, बेली मतलब पेट पर्सन में मारने पर भी कुछ हद तक हम सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, एंड व्हेन हिज आर्म्स वेंट डाउन, अब जब उसका शोल्डर पे
हिट करने की वजह से जब ये नीचे झुकने लगे, ये इसके जो आर्म्स पार जब नीचे झुकने लगे तब हमें उसको फेस पे हिट करना चाहिए। तो ये कुछ ट्रिक्स था जो राइटर को पता था। दैट डिडंट वर्क, आई हिट गैनी ट्वाइस ऑन हिज राइट शोल्डर। तो यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए राइटर ने रेमंड गैनेट को दो बार अपने शोल्डर पे हिट किया। देन ही डिडंट फील एनीथिंग एंड व्हेन आई ट्राइड टू गो फॉर हिज बेली। ये दोनों बार करने के बाद भी राइटर ये कह रहे हैं कि रेमंड गैनेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने उनके बेली वाली पार्ट को या पेट वाली पोर्शन को हिट किया। माई ओन आर्म्स वर डाउन एंड ही हिट मी ऑन दी लोअर लिप, जिसकी वजह से उनका तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। मेरा नीचे वाला जो आर्म्स पोर्शन था वो डाउन हो गया, लेकिन राइडर का ये था कि जब शोल्डर पोर्शन को हिट किया जाए तो उनके जो दो आर्म्स पोर्शन वो वीकेंड हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे आ जाएगा या वो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने फेस को हिट कर सकते हैं। लेकिन उल्टा हुआ, ये सारा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, राइडर के ऊपर। देन ही हिट मी, इसके बाद रेमंड गैनेट उनकी लिप में हिट किया। आई कुड फील इट स्वेलिंग ऑलरेडी, अब मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद सूजन जैसा हो चुका है। एंड आई हर्ड द क्राउड शाउट, ओ मतलब लोग क्राउड में लोग ये भी चला रहे, तो इंटरजेक्शंस का यूज हुआ है। कुछ सडन फीलिंग्स रेमंड गैनेट की हिट की वजह से इनका जो स्वेलिंग हुआ था, तो जो भी देखने वाले थे उनकी ये फीलिंग्स था, ये रिएक्शंस था। सडनली रियलाइज दैट आई हैड मेक ए मिस्टेक एंड दैट ग्रैनी हैड टफर देन मी and he was going to wipe the blinking floor under me and there was nothing I could do it about it. I suddenly realized, मैंने ये तुरंत महसूस किया, that I had made a mistake, मैंने एक गलती कर दिया है, and that granny was tougher than me. क्या गलती था, जो ग्रहणी था वो टफर था, वो बहुत स्ट्रांग था, मजबूत था, ठीक है। एंड ही वॉज गोइंग टू वाइप द ब्लिंकिंग फ्लोर, वाइप मीन्स टू क्लीन, वो जा रहा था टू क्लीन मीन्स जैसे फ्लोर को साफ करने के लिए। द ब्लिंकिंग फोक, ब्लिंकिंग मीन्स टू साइन द इंटरमिटेंट ग्लिम्स, ठीक है, जो फ्लोर था उसको चमकाने के लिए। देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और इसके बारे में मेरा मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, जो डिसीजंस था, लास्ट डिसीजंस था, ये कुछ फाइनल है नहीं, जो आगे लड़ाई कंटिन्यू होता चला गया। तो जो भी हो, जब भी कहीं पे भी ये जैसा सिचुएशंस क्रिएट होता है, जैसे फाइट्स वगैरह होता है, तो इसका जो रिजल्ट रहता है तो कभी अच्छा नहीं होता। दोनों टीम है, उसमें से किसी को हार मिलती है, किसी को जीत मिलता है। तो ये चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, लास्ट जो है ये जो एंड ही वाज गोइंग टू वाइप द ब्लिंकिंग फ्लोर, ठीक है। मैंने ये कह रहे हैं कि राइटर जो कह रहे हैं कि मैंने लास्ट में मैंने तुरंत ये एहसास किया, आई हैड मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती कर दिया। एंड दैट ग्रैनी वाज टफर देन मी, ग्रैनी जो था वो मेरे से, क्योंकि स्टार्टिंग से राइटर ये कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करवाया गया है, राइटर के जो हाइट इनसे काफ़ी ज़्यादा था। एंड ही वाज टू गोइंग टू वाइप द ब्लिंकिंग टू क्लीन, मतलब कुछ रीजन की वजह से जो गैनेट रेमंड का नीचे गिर गए, ऐसा लग रहा था शायद वो फ्लोर को साफ करने में लगे। तो शायद सिचुएशन सभी चेंज हो चुका था, शायद जो कॉन्फिडेंस लेवल है राइटर का बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट में रेमंड गैनेट को हरा दिया था, ठीक है। और देयर वॉज नथिंग आई कुड अबाउट इट, और राइटर ही कह रहा है मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, मतलब राइटर लास्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, इसका वार्निंग्स कोशिश कीजिएगा करने के लिए। थैंक यू।